हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे यार मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू मेक एम बुकेस। अच्छा, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो बाइनरी सर्च ऑन आंसर कंसेप्ट है और ये बहुत सारी कंपनी में पूछा जाता है। इसके बहुत प्यारे प्यारे वेरिएशंस भी हैं, तो वो वेरिएशंस आपको किसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बट उसको ही बात बाद में करते हैं। आज मैं तुम्हें पहले ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो सबसे पहले कि ये क्वेश्चन किस कंपनी ने पूछा है, तो अमेजॉन, गूगल, नवी, ब्लूम्सबर्ग, टिकटॉक। काफ़ी अच्छा पैटर्न है, इसे अपने दिमाग में बसा लो और मैं आज बताऊंगा कि ये पैटर्न तुम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। सो क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ब्लूम डे एंड एन इंटीजर एम एंड इंटीजर के, ठीक है? यू वांट टू मेक एम बुकेज। टू मेक अ बुके यू नीड टू यूज के एडजेसेंट फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, ओके? द गार्डन कंसिस्ट ऑफ एन फ्लावर्स। द आयथ फ्लावर विल ब्लूम इन द ब्लूम डे आई एंड देन कैन बी यूज इन एग्जैक्टली वन बुके, ओके? रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ डेज यू नीड टू वेट टू बी एबल टू मेक एम बुकेज फ्रॉम द गार्डन। इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक एम बुकेज रिटर्न -1। देन कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो आपकी जो एन है बुके की लेंथ है और एन मैक्सिमम 10^5 तक जाएगी। ब्लूम्स डे की आई की वैल्यू मैक्सिमम 10^9 तक जाएगी और जो आपका एम है वो 10^6 तक जाएगा, जो के है वो एन तक जाएगा विच इज़ अगेन 10^5। ओके, ग्रेट। ओके, अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बेसिकली आपको एक एरे मिलेगा, ब्लूम डे नाम का एरे। ये बता रहा है कि कौन सा फ्लावर किस डे पे ब्लूम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्लावर 7th डे पे ब्लूम करेगा। अगर आप 6th डे पे चेक करोगे तो ये ब्लूम नहीं कर रहा होगा, ठीक है? सिमिलरली ये फ्लावर 11th डे पे ब्लूम करेगा, ये 7th डे पे ब्लूम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो कौन सा फ्लावर किस डे पे ब्लूम कर रहा है। ब्लूम मतलब पता है ना, खिलना कहते हैं, फ्लावर के खिलने को ब्लूमिंग कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये बेसिकली ये वाला एरे डिनोट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन में आपको दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, एम इज इक्वल टू 2 हमारे एग्जाम्पल में एंड के इज इक्वल टू 3। एम बता रहा है आपको बेसिकली कितने बुकेज फॉर्म करने हैं। जैसे हमारे केस में एम 2 है तो हमें 2 बुके फॉर्म करना है। अब बुके का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हर बुके में कुछ नंबर ऑफ फ्लावर्स होते हैं। तो के आपका क्या डिनोट कर रहा है, सो के डिनोट कर रहा है कि आपको के कंसेक्यूटिव ब्लूम्ड फ्लावर्स लेने, ठीक है? जो फ्लावर ब्लूम हो चुके हैं उनमें से आपको के कंसेक्यूटिव फ्लावर लेने हैं इन ईच बुके, ओके? सो जैसे ये B1 है, ये बुके 1 है, ये B2 है, ये बुके 2 है। अब हर बुके में आपको 3-3 फ्लावर्स लेने हैं, ठीक है? क्योंकि के आपका 3 है। अब ये फ्लावर्स ब्लूम होंगे तभी आप ले सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते, एंड दिस हैज़ टू बी कंसेक्यूटिव। नाउ देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये एरे दिया है, आपको बताना है मिनिमम मिनिमम कितने डेज में हम ये बुके तैयार कर सकते हैं, दोनों बुके तैयार कर सकते हैं। और अगर जस्ट इन केस हम बुके तैयार नहीं कर पाए तो यू रिटर्न अ -1, ठीक है? अब तैयार करने का क्या मतलब है वो देखते हैं, कंसेक्यूटिव से इनका क्या मतलब है। सो लेट्स से हम डे 7 पे ट्राई मारते हैं, ठीक है? अब डे 7 की क्या सिचुएशन है, ये आपका ब्लूम्ड है, ब्लूम्ड है, ब्लूम्ड है, ब्लूम्ड है, ये ब्लूम्ड नहीं है, नहीं है, ब्लूम्ड है, ब्लूम्ड है, ब्लूम्ड नहीं है। नाउ वी नीड टू पिक 2 बुकेज। तो हम बुके 1 के लिए पहले चेक करते हैं। अब कहा गया आपको के कंसेक्यूटिव चूज करने, तो लेट्स से आप ये पहले 3 ले लेते हो, ये कंसेक्यूटिव है आपके एक के बाद एक। कंसेक्यूटिव नहीं होने का एग्जांपल क्या है कि आपने ये दोनों ले लिए और ये ले लिया, दिस इज नॉट कंसेक्यूटिव, ठीक है? यू हैव टू पिक 3 कंसेक्यूटिव या 3 एडजेसेंट बुकेज, ठीक है? तो लेट्स से हमने ये डिनोट कर लिया B1 के लिए, ठीक है? हमने बुके 1 चूज कर लिया। अब क्या आप बुके 2 यहाँ फॉर्म कर सकते हो, लेट्स सी। देखो, एक तो आप यहाँ पे 7 ले सकते हो, बट बीच में 11 आ गया एंड 12 आ गया विच आर नॉट अवेलेबल, तो हम ये तो ले ही नहीं सकते, ये अभी ब्लूम ही नहीं हुए, ठीक है? एंड 7 किसी के साथ कंसेक्यूटिव भी नहीं बना पाएगा आप, क्योंकि पीछे वाली वैल्यूज ऑलरेडी बुके 1 में जा चुकी हैं। तो आप क्या करेंगे, ये 7 भी डिस्कार्ड हो गया बेसिकली। देन ये अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ये आपका ब्लूम्ड है, इसे आप पिक कर सकते हो, इसे कर सकते हो, बट थर्ड वाला अवेलेबल नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि डे 7 में मैं 2 बुके फॉर्म नहीं कर सकता, B2 तो नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैं 2 बुके फॉर्म नहीं कर सकता तो डे 7 कैन नॉट बी माई आंसर। नेक्स्ट आंसर क्या हो सकता है, अब आप देखो नेक्स्ट इसमें वैल्यू है 11, ठीक है? तो लेट्स सी क्या हम डे 11 पे आंसर निकाल पाते हैं या नहीं, ठीक है? अब 11 डे का क्या सीन है, सो डे 11 पे ये ब्लूम्ड है, ब्लूम्ड है, ब्लूम्ड है, ब्लूम्ड है, ब्लूम्ड है, ब्लूम्ड नहीं है, ब्लूम्ड है, ब्लूम्ड है, ब्लूम्ड नहीं है, ठीक है? अब ये मत बोलना भैया डे 11 पे 7 डे वाला कैसे हो गया, भाई 7 डे तुम्हारे डे 11 से पहले आता है ना, तो जो भी डे 11 के पहले आ रहे हैं वो सारे ब्लूम हो चुके हैं, मतलब इंक्लूडिंग डे 11। अब हमें क्या करना है, लेट्स सी वी कैन फॉर्म द बुके और नॉट। तो अगेन मैं पहली 3 वैल्यू लेकर के यहाँ पे बुके 1 क्रिएट कर सकता हूँ, ये B1 मैंने क्रिएट कर दिया। बुके 2 की बात करते हैं, नाउ यू कैन टेक दिस 7 एंड 11, बट
12 फिर भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे एक से आप मिस कर गए, तो यू कैन नॉट टेक इट। कोई बात नहीं, 12 तो ब्लूम्ड ही नहीं, उसे भी नहीं ले सकते। इस 7 की बात करें तो आप फिर से ये दो ले सकते हो, बट 13 ब्लूम्ड नहीं है, तो वी कैन से यहाँ पे भी नहीं पॉसिबल है। डे 11 पे भी हमारा आंसर नहीं आया। 11 के बाद अगली वैल्यू क्या है? 12। लेट्स चेक क्या हम डे 12 पे फॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स चेक फॉर डे नंबर 12। ये ब्लूम्ड हो चुका होगा, ठीक है, ये सारे ब्लूम हो चुके होंगे, ब्लूम ब्लूम ब्लूम, बट 13 वाला आपका ब्लूम नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, नाउ लेट्स सी क्या हम इसमें आंसर फॉर्म कर सकते हैं। तो आप देखो, दिस कैन बी फॉर्म, ठीक है, ये आ गया B1, एंड लकीली 7, 11 एंड 12 ये तीनों ब्लूम कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे दो बुके अब बना सकते हो, बुके 1 एंड बुके 2। सो हमारी कंडीशन क्या थी? एम नंबर ऑफ बुकेज बनाने, बन गए, सब में तीन तीन फ्लावर्स होने चाहिए थे, तीन तीन फ्लावर्स ही हैं, साइज 3, एंड कंजिक्यूटिव भी हमने ले लिए। सो ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइंग। नाउ हमें क्या रिटर्न करना है? मिनिमम नंबर ऑफ डेज, और हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेलेक्ट किया, मतलब पहले डे 7 चेक किया, फिर 11 चेक किया, फिर 12 चेक किया, तो ऑब्वियसली हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो जो पहला आंसर मिला दैट इज आवर आंसर। तो वॉट वी कैन से इज कि डे नंबर 12 पे वी कैन मेक एम बुकेज विच हैज के कंजिक्यूटिव ब्लूम फ्लावर्स, डन। तो ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ क्या आपका आंसर 13 से नहीं आ जाता? बिल्कुल आ जाता। डे 13 की बात करें तो सब कुछ ब्लूम हो गए, तो डे 13 पे भी आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? मिनिमम नंबर, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस बाइनरी सर्च और आंसर कंसेप्ट, बट उसके पहले ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या सोचोगे तुम इस क्वेश्चन का, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दी ब्रूट फोर्स अप्रोच। सबसे पहले देखो मेरी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। इस एरे में 7, 11, 12 एंड 13 है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 7 को लूँगा और जाके चेक करूँगा क्या 7 से आंसर फॉर्म हो पा रहा है या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं 11 को लूँगा, 11 से चेक करूँगा, 12 को लूँगा, 12 से चेक करूँगा, 13 को लूँगा, 13 से चेक करूँगा, ठीक है। तो फाइनली मुझे सारी वैल्यूज आइट्रेट करने के बाद 12 एंड 13 इन दोनों में आंसर मिलेगा, तो जो भी वैल्यू मिनिमम है मैं उसे एज एन आंसर रिटर्न कर दूंगा, करेक्ट। ये क्या है? ब्रूट फोर्स आइडिया है। अब आप चेक कैसे करोगे? चेकिंग कंडीशन पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसे ऑप्टिमाइज करेंगे, बट उससे पहले हाउ टू फाइंड दिस वैल्यूज बहुत सिंपल है। आप एक सेट डेटा स्ट्रक्चर बनाओ और उस सेट में सारी वैल्यूज इंसर्ट कर दो, तो सेट आपकी एट द एंड ऑफ द डे यूनिक वैल्यू रखेगा, बट आपको पता है क्योंकि ये हैशिंग में रखेगा तो इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा, तो हमें सारी वैल्यूज को आइट्रेट करना पड़ेगा। हमें नहीं पता ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, रैंडम ऑर्डर है, हमें सारी वैल्यूज को आइट्रेट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि यार मिनिमम आंसर क्या है, ठीक है। सो आई थिंक सेट वाला लॉजिक तो बहुत सिंपल है, सेट में आप इंसर्ट कर सकते हो। चेकिंग कैसे करेंगे वो एक बार देखते हैं। लेट्स से मुझे पता करना है 7 के लिए आंसर आ रहा है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा इनिशियलाइज विद 0, और मेरी वैल्यू क्या है? 7। अभी जब भी मुझे कोई वैल्यू मिले लेस देन इक्वल टू 7, मैं काउंट को इंक्रीमेंट करूंगा। फिर से मुझे वैल्यू मिली लेस देन इक्वल टू 7, काउंट को इंक्रीमेंट करा। फिर से वैल्यू मिली लेस देन इक्वल टू 7, काउंट को इंक्रीमेंट करा। अब देखो आपका काउंट आपके के बराबर आ गया, तो वी कैन से टोटल हम कितने बुकेज फॉर्म कर पाए? 1, ठीक है। इनिशियली 0 था, जैसे ये 3 हुआ आपको पहला बुके मिल गया, ग्रेट। नाउ जैसे ही आपको एक बुके मिल गया, आप इस काउंट को रिड्यूस करके 0 कर दोगे, राइट। नाउ वी विल चेक अगेन, क्या ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 है? बिल्कुल, तो मेक इट 1। आगे चलते हैं, क्या ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 है? नो, तो हम इसे री इनिशियलाइज कर देंगे 0 पे, बिकॉज हमें कंजिक्यूटिव काउंट चाहिए। नेक्स्ट वैल्यू 12 है, लेस देन इक्वल टू 7 नहीं है, फिर से 0 रहने देते हैं। आगे चलते हैं, इधर वैल्यू मिली 7, 7 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू, काउंट 1। आगे चलते हैं, 7 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू, काउंट 1। आगे चलते हैं, यहाँ पे वैल्यू आई 13, 13 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 7, तो हम कह सकते हैं काउंट को फिर से 0 कर दो, हमें आंसर नहीं मिला। तो हमारा टोटल क्या आया? 1 आया। कितना आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था, तो वी कैन फॉर्म ओनली 1 बुके। ऑलराइट, तो अब आप क्या करोगे, 11 को लेके आओगे, फिर से सारे चेक करोगे, आपको पता है टोटल 1 ही आएगा। 12 का केस देख लेते हैं, 12 में हमारा ट्रू वाला केस है, वो देखते हैं एक बार। सो लेट्स स्टार्ट, इनिशियली हमारा काउंट है 0, टोटल है 0। पहली वैल्यू 7, 7 इज लेस देन इक्वल टू 12, कंडीशन ट्रू, काउंट 1। अगेन ट्रू, काउंट 1, ट्रू, काउंट 1, ठीक है। जैसे ही आपका काउंट के बराबर हुआ, यू कैन से टोटल में +1 करो, काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दो। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, 7, 7 भी आपके 12 से छोटा है, काउंट हो गया 1। 11, 11 भी आपके 12 से छोटा है, काउंट हो गया 2। 12, 12 भी आपके 12 से छोटा है, काउंट हो गया 3। फिर से आपका काउंट आपके के से मैच कर गया, यू कैन से टोटल प्लस प्लस, काउंट को कर दिया 0, बट
जैसे ही आपका टोटल एम के बराबर हो जाए यू कैन स्टॉप, ठीक है, बाकी वैल्यूज आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इजीली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, कितना आराम से हम पता कर पा रहे हैं। नाउ प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज, सबसे पहले आप इस पूरे एरे को आइट्रेट करोगे और एक सेट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। लेट्स से हमारे पास के यूनिक एलिमेंट्स हैं, तो आपने ओ ऑफ एन आइट्रेशन किया इस सेट को फॉर्म करने के लिए। अब आप क्या करोगे, के आइट्रेशन करोगे, के इन टू, आप ये पूरा एरे फिर से ट्रैवर्स कर रहे हो एन, ठीक है। सो के इन टू एन, तो आई कैन से के इन टू एन प्लस इनिशियली ओ ऑफ एन सेट को क्रिएट करने का टाइम, ठीक है, ये आपकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एंड आपने एक्स्ट्रा स्पेस लिया ये सेट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये हमारी जो अप्रोच है, ये दिस इज़ अ गुड अप्रोच, नॉट अ बैड अप्रोच, बट इट इज़ ब्रूट फोर्स, आप इसे स्टिल ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कैसे? नाउ इस अप्रोच की ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? सबसे पहले ओ ऑफ एन ट्रैवर्स करके आप एक सेट में इंसर्ट कर रहे हो एलिमेंट्स, प्लस वो एलिमेंट्स आपके सॉर्टेड नहीं है। अगर वो सॉर्टेड होते, इस तरीके से लिखे होते, तो जब मुझे 12 में आंसर मिल जाता, मैं जाके 13 में चेक नहीं करता, मैं कहता है यार 12 से बड़ी वैल्यूज़ हैं आगे, तो 12 ही मेरा आंसर होगा, मतलब जो भी फर्स्ट आंसर आया दैट इज़ ओके, यू कैन स्टॉप हियर, बट क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है तो हमें सारी वैल्यूज आइट्रेट करनी पड़ेंगी। तो क्या हम यहाँ पे कुछ आइडिया यूज़ करें कि ये जो हमारी रेंज है ये सॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर ये सॉर्ट हो गई तो हमारा काम बहुत ईजिली हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ लीनियर सर्च हम यहाँ पे बाइनरी सर्च भी लगा सकते हैं। लेट्स सी हाउ। ओके सो नाउ वॉट आर दी पॉसिबिलिटीज, आप देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है आपकी 7 एंड मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 13, तो बट ऑब्वियस है आपकी रेंज इनके बीच में ही लाई करेगी, बट अब इसके बीच में तो भैया 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, तो हम हर किसी को एज एन आंसर कैसे ट्रीट करें, ठीक है। क्योंकि 8 तो अगर मान लेते आंसर आ गया तो हमारे एयर में तो 8 है ही नहीं, 9 आ गया, 9 तो है ही नहीं, सो हाउ वी विल हैंडल दीज केसेस, क्योंकि हमें पता है 7 है, 11 है, 12 है, 13 है, बट इन तीन एलिमेंट्स की क्या गारंटी अगर ये आंसर दे गया तो हम तो फंस जाएंगे। तो सबसे पहली बात, ये आंसर आपका कभी नहीं देगा। ओके सो हमारी सारी कन्फ्यूजन का एक ही हल है, मोनोटॉनिक, ठीक है, मोनोटॉनिक रेंज। अब मोनोटॉनिक रेंज या मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या होते हैं, आप अगर यहाँ पे ध्यान दो, इसे सॉल्व करो, तो आपको पता है कि इस एरे का आंसर क्या आया था, 12 आया था, ठीक है। 12 से हम फॉर्म कर सकते हैं, दिस इज़ दी मिनिमम वैल्यू, 13 से भी आप कर सकते हो, इवन 14 आ जाए जो इस एरे में नहीं है वो भी ट्रू रिटर्न करेगा, 15 आ जाए वो भी ट्रू रिटर्न करेगा, आप सॉल्व कर लो यहाँ पे 17 वैल्यू ले लो और इससे चेक कर लो कि क्या आप एम बुकेट्स बना सकते हो या नहीं। आप बना पाओ कि ये देखो ये तीनों वैल्यूज़ लेस देन 17 है, ये तीनों वैल्यूज़ लेस देन 17 है, तो 17 इज़ ऑल्सो अ पॉसिबल आंसर, 18 भी एक पॉसिबल आंसर है, एंड सो ऑन। बट क्या 11 आपका आंसर था? आंसर 11 आपके एरे में प्रेजेंट है, बट 11 आंसर नहीं था, इससे आप एक बुके बना पा रहे थे लेकिन दूसरा कंसिक्यूटिव बुके नहीं बन पा रहा था, वो तभी बना जब 12 आया था, राइट और नॉट। तो इसका सिंपल मतलब क्या है, 11 से आंसर फॉर्म नहीं हो पा रहा है तो 10 से भी नहीं हो पाएगा, 9 से भी नहीं हो पाएगा, 8 से भी नहीं हो पाएगा, 7 से भी नहीं हो पाएगा। सो यू सी अ पैटर्न हियर, जैसे आपको पहला ट्रू मिला इसके बाद बाकी सारे नंबर्स आपके आंसर फॉर्म करेंगे बट ये वाले कुछ फॉर्म नहीं करेंगे। तो आपके एरे में हो या ना हो, ये आंसर में ही नहीं आएंगे कभी भी, बिकॉज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज प्रेजेंट एज एन आंसर विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ योर एरे, तभी वो आंसर है। 12 आपका आंसर क्यों है, वो इस एरे में है इसी वजह से वो आंसर है। तो इस रेंज को जहां सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज एक साथ फॉल्स हो रही हैं और जब पहली ट्रू आ गई तो बाकी सारी ट्रू है, ना आपको इधर फॉल्स मिलेगा ना आपको इधर ट्रू मिलेगा, दिस इज अ मोनोटॉनिक रेंज। ये आपके खाली ट्रू फॉल्स, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि इधर सारे ट्रू हो, इधर सारे ट्रू हो, फिर बाद में आपके सारे फॉल्स हो, ये इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे ये वैल्यूज लेट्स से आंसर लेस देन 12 लेके आ रही हैं और ये वैल्यू सारी आंसर ग्रेटर देन 12 लेके आ रही हैं, ठीक है, कुछ रेंज है, जैसे हमने कोको ईटिंग बनाना उसमें सीखा था, ऐसे 5-6 प्रॉब्लम्स हैं जो इस रेंज में आती हैं और वो प्रॉब्लम्स अगर आप कर लो तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। एनी वे लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन, तो हमें ये पता चल गया कि जब पहली वैल्यू ट्रू आएगी उसके बाद सारी ट्रू रहेगी, ना हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम डेज, हमें मिनिमम डेज फाइंड करना है। तो हमारा आइडिया क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को एक एक करके चेक करेंगे, द मोमेंट हमें पहली ट्रू मिली वी कैन स्टॉप। नाउ दिस इज ऑल्सो वॉट लीनियर ऑपरेशन,
इस लीनियर ऑपरेशन को हम थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये एरे अब सॉर्टेड है, वी कैन यूज बाइनरी सर्च, और क्योंकि ये बाइनरी सर्च अप्लाई हो रहा है आंसर वाले एरे पे, सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ऑन आंसर कॉन्सेप्ट। इस पे मैंने अच्छी खासी 5-6 वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें जाके चेक कर सकते हो टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस। ओके, लेट मी क्लीन दिस, फिर मैं आपको बाइनरी सर्च बताता हूँ। चलो, अब आइडिया क्या है, हम इस एरे की मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मेरी मिनिमम वैल्यू क्या है इस एरे में, 7, लेट्स कॉल इट एज स्टार्ट, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 13, लेट्स कॉल इट एज एंड। ठीक है, अब मुझे ये एरे फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे एज एन एरे समझ सकता हूँ, यानी कि मेरा स्टार्ट वेरिएबल 7 पे खड़ा है और मेरा एंड वेरिएबल 13 पे खड़ा है। ये मिनिमम वैल्यू है इस एरे की और ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं बाइनरी सर्च से पहला ट्रू फाइंड करूंगा। तो आई नो दिस इज फॉल्स, 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 एंड दीज टू आर ट्रू। तो लेट्स स्टार्ट, हम यहाँ पे मिडिल फाइंड करते हैं। मिडिल क्या होगा आपका, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2। तो स्टार्ट आपका क्या है, 7, तो वी कैन से 7 प्लस 13 माइनस 7 इज 6 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 3, 7 प्लस 3 इज 10। तो ये आ गया आपकी मिडिल वैल्यू, दिस इज योर न्यू मिड। अभी आपको पता है 10 पे आंसर फॉल्स आएगा, ये आपका आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अब खुद ही सोचो, इसके इधर तो और भी छोटी वैल्यूज हैं, तो ये भी आंसर में नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, सारे ही फॉल्स हैं। तो अब मुझे ट्रू किधर मिलेगा, फॉल्स के राइट साइड पे। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट को मिड प्लस 1 पे खड़ा कर दूंगा। अब मेरा स्टार्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सॉल्व अगेन। सो इस फॉर्मूले को फिर से यूज़ करते हैं, 11 प्लस 13 माइनस 11 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 2 डिवाइड बाई 2 1, 11 प्लस 1 इज 12। तो ये हमारा क्या आ गया, नया मिडल आ गया। ठीक है, नाउ 12 आपका एक पॉसिबल आंसर है, ट्रू है यहाँ पे। तो हाँ, ये मेरा आंसर हो सकता है, बट शुड आई स्टॉप हियर, द आंसर इज नो, आई कैन नॉट स्टॉप हियर, बिकॉज लेट्स से मुझे 12 की जगह 13 मिल जाता, क्योंकि मैं तो आंसर की रेंज में ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मुझे 12 भी मिल सकता है, 13 भी मिल सकता है। अगर 13 मिल गया होता, मान लेते हैं 13 मिल गया होता, तो हम क्या करते, हम पहले चेक करते कि 13, हाँ ठीक है, 13 एक पॉसिबल आंसर है, बट क्या इससे छोटी भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, वो चेक करने के लिए हमें इस तरफ मूव करना पड़ता है, यानी हम अपने एंड को एक पीछे कर देते। तो सिमिलर लॉजिक हम यहां भी अप्लाई करेंगे। सो हम कहेंगे कि 12 एक पॉसिबल आंसर है, वी कैन स्टोर इट, बट हमें इससे छोटी वैल्यू को भी चेक करना है। तो एंड इज इक्वल टू मिडल माइनस 1। तो अब आपका एंड और स्टार्ट दोनों सेम वैल्यू पे आ जाएगा, दैट इज 11। और ये फॉर्मूला यूज करोगे तो मिडल भी आपका यहीं पे आ जाएगा। नाउ लेट्स चेक, क्या 11 आपका पॉसिबल आंसर है? नो, 11 पे फॉल्स है, ये पॉसिबल आंसर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को बड़ा करना होगा। तो हम कहेंगे स्टार्ट इज इक्वल टू मिडिल प्लस 1, स्टार्ट आ गया यहाँ पे। अब देखो, स्टार्ट एंड एंड ने एक दूसरे को ओवरटेक कर लिया है, आपकी रेंज फिनिश हो चुकी है। तो वॉट एवर यू हैव स्टोर्ड एज योर आंसर, जो भी आपने लास्ट आंसर देखा था, ठीक है, दैट वॉज द स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपने एज एन आंसर देखी थी। तो वी कैन से लेट्स रिटर्न दिस आंसर। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सबसे पहले बिग ओ ऑफ एन ट्रैवर्सल करना पड़ेगा हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा रहे हैं इस रेंज में। तो बाइनरी सर्च होता है लॉगरिथमिक ऑफ, अब इसकी साइज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू लेट्स से M1 माइनस मिनिमम वैल्यू M2 प्लस 1, यही तो होता है अपर लिमिट M1 माइनस M2 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, ये ओ ऑफ एंड वाला टास्क नहीं करते, वो मिनिमम वैल्यू को ले लेते हैं, लेट से 0 या 1। ठीक है, बेस्ड अपॉन आपके क्वेश्चन के, जैसे हमारे क्वेश्चन में मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है 1 एंड मैक्सिमम है 10 पावर 9। तो बहुत लोग क्या करेंगे, ये फाइंड ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे यार मिनिमम वैल्यू आपकी 1 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1e9 हो गई, इस रेंज में आप जाके आंसर ढूंढ के निकाल के ले आओ। ठीक है, तो आप आइदर वे कर सकते हो, चाहे आप मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड करके उसके बाद बाइनरी सर्च लगाओ, या आप एक डिफॉल्ट वैल्यू लेकर के इसी रेंज पे बाइनरी सर्च लगा दो। तो बेस्ड अपॉन योर लॉजिक आपको जो भी आसान पड़े आप वो कर सकते हो। मैं यूजुअली ये प्रेफर करता हूँ कि मिनिमम एंड मैक्सिमम निकालूँ। अब आप बोलोगे भैया 1e9, यहाँ तो 1e9 है ही नहीं, अगर ये 1e9 ले लेंगे तो 13 के ऊपर वाली वैल्यूज तो नहीं आ जाएंगी आंसर। अभी मैंने तुम्हें बताया लेट्स से 20 आंसर आ गया, तो भी 20 को आंसर नहीं मानोगे तुम, और छोटी वैल्यू चेक करोगे और छोटी करोगे, जब तक तुम इस रेंज में आके इस 12 पे नहीं टकराओगे, तुम्हारा बाइनरी सर्च खत्म ही नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च ऑन आंसर कॉन्सेप्ट। और ये कौन एश्योर करता है, मोनोटॉनिक रेंज। तो जब भी आपको मोनोटॉनिक सीक्वेंस दिखे कि सारे फॉल्स एक साथ, फिर सारे ट्रू एक साथ, या सारे ट्रू एक साथ,
सारे फॉल्स एक साथ, या कोई आंसर है लेस देन 10 तो ये सारी वैल्यूज लेस देन 10 है, ये सारी ग्रेटर देन 10 है। तो इस तरीके का अगर आपको बाइनरी लोकेशन दिखे कि हाँ यहाँ तक आंसर नहीं आ रहा है, यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है, तो इन दैट रेंज यू कैन से हम बाइनरी सर्च ऑन आंसर कंसेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इसे कोड करता हूँ। चलो सबसे पहले हम एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे, फाइंड रेंज। ठीक है, ये हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू देगा। सो इसमें ब्लूम डे एरे ले लेते हैं। ठीक है, देन वी विल से इंट मिनिमम वैल्यू, इसे ले लेते हैं इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। ओके, देन कॉपी पेस्ट, एंड मुझे लेना है मिन वैल्यू किसे, मैक्स के लिए। नाउ लेट्स फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो आई कैन से इंट वैल कोलन, यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्लूम डे। देन वी कैन से मिनिमम इज इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ, चाहे मिनिमम कॉमा वैल्यू, एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड मैक्स। कॉपी पेस्ट, ये आ गई आपकी मैक्स, यहाँ पे आ गया आपका मैथ डॉट मैक्स, और ये आ गया मैक्स। नाउ यू कैन से रिटर्न न्यू एंड। ठीक है, इधर आ गई आपकी मिन, इधर आ गई आपकी मैक्स। तो ये आपने फाइंड रेंज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो व्हाट आई कैन से इज इंट रेंज इज इक्वल टू फाइंड रेंज ब्लूम डे। ओके, अब आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पता है। सो व्हाट आई कैन से इज इंट स्टार्ट इज इक्वल टू रेंज ऑफ 0, 0 पे हमने मिनिमम रखा था, एंड जो आपका एंड है वो कहाँ पे, इंडेक्स नंबर 1 पे, ये आ गया आपका एंड। नाउ लेट्स अप्लाई बाइनरी सर्च कि वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, जब तक हमारी रेंज ओवर नहीं हो जाती, फर्स्ट वी विल फाइंड द मिडिल वैल्यू। मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, एंड ये वैल्यू डिवाइड बाई 2। ओके, देन आई विल से इफ इज पॉसिबल। ठीक है, अगर पॉसिबल है विद द वैल्यू ऑफ मिड, अब इसके साथ आपको के एम एंड ब्लूम डे पास करना पड़ेगा, ये हमारा वो काउंट वाला लॉजिक के लिए। ठीक है, ओके, अगर पॉसिबल है मिड से वैल्यू पॉसिबल है, तो व्हाट आई कैन से इज मुझे एक आंसर मिल गया, तो आई कैन मेंटेन वन आंसर, इंट आंसर इज इक्वल टू 0, आंसर इज इक्वल टू मिड। ठीक है, अब क्योंकि हमें एक आंसर मिल गया, हम कहेंगे अब इससे छोटी वैल्यू को ढूंढो कि क्या वो आंसर हो सकती है, तो एंड इज इक्वल टू मिडल -1। एल्स केस, अगर आपको आंसर नहीं मिला, मतलब आप फॉल्स वाली रेंज में हो, तो अपनी वैल्यू को बड़ा करो, मिडिल तक आंसर नहीं है, मिडिल +1 से आप चेक करेंगे, एंड दैट्स इट। इस व्हाइल लूप के बाद आपका आंसर आ जाएगा, यू कैन डायरेक्टली रिटर्न योर आंसर, रिटर्न आंसर। ठीक है, अब ये वाला पार्ट कोड करते हैं, इज पॉसिबल। सो इसे कर देते हैं मिनिमाइज, एंड वी कैन से पब्लिक बूलियन इज पॉसिबल इंट मिड, ये आपका क्या है बेसिकली, मिन डेज है। ठीक है, ये आंसर है या नहीं, तो मिन डेज या मिन डे, देन इंट के, इंट एम, एंड ये आपका एक एरे इंट ब्लूम डे। ओके, नाउ आई कैन से इंट टोटल इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन इंट काउंट इज इक्वल टू 0, देन आई कैन से फॉर लूप से इटरेट करते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ब्लूम डे डॉट लेंथ, देन आई ++। ओके, नाउ वी विल से इफ ब्लूम डे ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू है आपके मिन डे के। ठीक है, यानी कि ये पॉसिबल है, कंसेक्यूटिव वैल्यूज आप यहाँ पे ले सकते हो। सो वी विल से काउंट ++, एल्स केस। ठीक है, अगर आपकी मिन डे बड़ी वैल्यू निकलती है ब्लूम डे से, तो आप कह सकते हो यार काउंट को 0 कर दो, हम यहाँ पे आंसर फाइंड नहीं कर सकते। ओके, नाउ द मोमेंट आपको आंसर मिल जाए, इफ काउंट इक्वल्स इक्वल्स के हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हमारा टोटल ++ कर दो और काउंट को वापस 0 कर दो। ठीक है, एंड कभी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इफ जो आपका टोटल है, ठीक है, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो गया आपके एम से। ठीक है, यानी कि हमें जितने बुकेस बनाने थे वो हमने बना लिए, तो इस केस में यू कैन रिटर्न अ ट्रू फ्रॉम हियर। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं, एंड वी हैव टू रिटर्न अ फॉल्स हियर। ठीक है, कि भाई अब आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर आप अभी तक बुके नहीं बना पाए, अगर एम बुकेज आप नहीं बना पाए, तो यू कैन डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर। ओके, सो ये है हमारा इंटायर लॉजिक, फाइंड दी रेंज, देन बाइनरी सर्च लगाया, स्टार्ट एंड 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 दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, आपको क्वेश्चन में कहा था -1 रिटर्न करना है, -1 आप किस केस में रिटर्न करोगे? नाउ -1 किस केस में आएगा, अगर आपके पास उतने फ्लावर्स ही नहीं जितनी डिमांड है, तो हमारा आंसर नहीं आ सकता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर
एम इंटू के, हमें टोटल फ्लावर्स एम इंटू के चाहिए। अगर ये वैल्यू किसी भी कारण से बड़ी निकलती है हमारे एरे की लेंथ से, मतलब हमारे पास उतने फ्लावर्स ही नहीं है, देन डेफिनेटली दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, ग्रेट, चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। रॉन्ग आंसर, एम के आउटपुट 0 एक्सपेक्टेड, -1। -1 वाला केस क्यों नहीं चला? एक सेकेंड, लेट मी सी दी कंस्ट्रेंट्स। लॉन्ग लेना पड़ेगा क्या? 10^6, 10^5 मल्टीप्लाई करें तो लॉन्ग लेना पड़ेगा। ओके सो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉन्ग में। टाइप कास्टिंग कर लेते हैं, सॉरी यहाँ आ गया लॉन्ग। लेट्स सबमिट अगेन, एंड एक्सेप्टेड कितना चला? 62%। ग्रेट। ठीक है, सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।